श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज हम आप सभी के लिए एक बार फिर से हमारा एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है ट्रेंडिंग बॉलीवुड। अब आपको हमारे इस प्रोग्राम के नाम से ही अंदाजा लग ही गया होगा कि आज हम आप सभी को बॉलीवुड से जुड़े कुछ ऐसे सितारों के बारे में बताने वाले हैं और ऐसी खबरों से रूबरू करवाएंगे जो इस वक्त काफी ज्यादा ट्रेंड में है। ये खबरें इतनी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है कि हर जगह इन खबरों ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी और हम ये भी जानते हैं कि आप सभी हमारे इस प्रोग्राम का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अरे भाई, इंतजार हो भी क्यों ना, आप सभी को अपने फेवरेट सितारे से जुड़ी हर एक खबर से जो हम रूबरू करवाते हैं। तो फिर आइए डालते हैं नजर आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से सितारे हैं और ऐसी कौन सी खबरें हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में पूरे 50 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में अमिताभ बच्चन के बेटे यानी कि जूनियर बच्चन अभिषेक बच्चन काफी ज्यादा भावुक होते हुए नजर आए। उनका एक पोस्ट है जो उन्होंने अपने पिता के लिए लिखा और वो काफी भावुक कर देने वाला था। जी हाँ, 50 साल पूरे होने पर अमिताभ के बेटे अभिषेक बच्चन ने भावुक होकर लिखा, मेरे लिए वो एक आइकॉन है बल्कि इससे भी ज्यादा बहुत कुछ है। मेरे पिता अच्छे दोस्त, एक मार्गदर्शक, आदर्श, एक हीरो, अच्छे आलोचक और सबसे बड़ा सहारा। आज से 50 साल पहले उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। मुझे पक्का यकीन है कि आज भी अपने काम को लेकर उनका पैशन और अप्रोच बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले दिन था। प्यारे पिताजी, आज हम आपको सेलिब्रेट करेंगे, आपके टैलेंट को, आपके पैशन को, आपकी प्रतिभा को और आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व को सेलिब्रेट करेंगे। मैं इंतजार नहीं कर सकता ये देखने के लिए कि आने वाले 50 सालों में आप अपने काम में और क्या क्या उपलब्धियां हासिल करेंगे। आज जब मैंने पिताजी को इस खास मौके पर उन्हें कमरे में जाकर विश किया और पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, जवाब में उन्होंने कहा, काम पर। बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी को स्वाइन फ्लू हो गया था, इसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। शबाना को कुछ दिनों से सर्दी और खांसी थी। शबाना आजमी के बाद अब जावेद अख्तर को भी स्वाइन फ्लू हो गया है। जी हाँ, वो भी अब इस गंभीर बीमारी का शिकार हो गए हैं। राहत की बात यह है कि अभी तक जावेद अख्तर को अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। जावेद अख्तर फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं और इलाज करवा रहे हैं। शबाना आजमी ने बताया कि घर पर ही उनका ध्यान रखा जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि जब से जावेद अख्तर के फैंस को पता चला है कि उन्हें स्वाइन फ्लू हो गया है और उनकी हालत नाजुक है, तो ऐसे में हर कोई बस यही उम्मीद करता हुआ नजर आया कि जावेद अख्तर अब जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। बॉलीवुड के बेहतरीन डांसर और एक्टर शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत की हाल ही में एक तस्वीर सामने आई है जिसमें वो अपनी लाडली बेटी मीशा कपूर के साथ नजर आ रही हैं और मीशा कपूर अपनी मां मीरा राजपूत को देखकर अजीब अजीब तरीके का क्यूट फेसेस बनाती हुई नजर आई हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड में इन दिनों स्टार किड्स का जलवा सातवें आसमान पर है, तो ऐसे में मीशा कपूर भी सोशल मीडिया पर अपनी क्यूटनेस को लेकर आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मीशा कपूर करीना कपूर के लाडले बेटे तैमूर अली खान को क्यूटनेस के मामले में कड़ी टक्कर दे रही हैं। मीशा कपूर अपनी क्यूटनेस को लेकर आए दिन चर्चा में बनी रहती हैं और सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हो रही है मीशा कपूर और उनकी मां मीरा कपूर की, तो आपको बता दें कि मीरा कपूर और मीशा की तस्वीर दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई और मीशा जिस तरीके से अपनी माँ को देख कर फेसेस बनाती हुई दिखाई दी है वो वाकई काफी ज्यादा क्यूट भी है। फिल्म विवाह से बॉलीवुड में सबको अपना दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस अमृता राव पिछले काफी वक्त से बड़े पर्दे से गायब थी, लेकिन बीते ही दिनों अमृता राव को नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म ठाकरे में देखा गया था और इस फिल्म में अमृता राव की एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। आपको बता दें कि इस फिल्म में अमृता राव ने राज ठाकरे की पत्नी मीना ताई का किरदार निभाया था और बेहद ही सिंपल लुक में वो बेहद खूबसूरत अंदाज में दिखाई दी थी। और अब इसी बीच अमृता राव को
एयरपोर्ट पर अपने पति के साथ देखा गया। वो अपने पति के गले लगी हुई थी, खुलेआम उनसे लिपटी हुई थी। इन दोनों की ये तस्वीर देखकर ये साफ जाहिर होता है कि ये दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और एयरपोर्ट की ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो गई है। हर कोई अमृता और उनके पति की इस तस्वीर को पसंद करता हुआ नजर आया है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में पूरे 50 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन ने उन्हें इस बात की बधाइयां काफी अलग तरीके से दी हैं। जी हाँ, दरअसल श्वेता बच्चन की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें उनका दिलकश अंदाज देखने को मिला। उन्होंने आइकॉन स्वेटशर्ट पहनी हुई थी और इस दौरान उनकी ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में पूरे 50 साल पूरे हो गए हैं और हर कोई उन्हें विश करता हुआ नजर आया है, उन्हें बधाइयां देता हुआ दिखाई दिया है। और ऐसे में श्वेता बच्चन भी अपने पिता अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में 50 साल पूरे होने की अलग और खास अंदाज में बधाइयां देती हुई नजर आई हैं। उनका ये अंदाज बेहद ही खूबसूरत है और सोशल मीडिया पर श्वेता की ये दिलकश तस्वीर वाकई तहलका मचा रही है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जो अक्सर ही अपनी बेहतरीन एक्टिंग और फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, सिर्फ आपको बता दें कि फिल्में ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन अपने टीवी रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा में बने रहते हैं। और हाल ही में अमिताभ बच्चन ने इस बात का खुलासा किया है कि आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने बीते गुरुवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आदार आदाब अभिनंदन आभार, मैं अमिताभ बच्चन प्रस्तुत करने जा रहा हूं इस वर्ष 2019 का नया अभियान कौन बनेगा करोड़पति केबीसी बहुत जल्द आपके घरों में। जी हाँ, आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट को फैंस काफी ज्यादा पसंद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दिनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि रणबीर और आलिया में काफी जबरदस्त लड़ाई हो गई है। जी हां, दरअसल सोशल मीडिया पर इन दोनों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद हर कोई कह रहा है कि वाकई में दोनों के बीच लड़ाई हुई है। दरअसल कल ही फिल्म गली बॉय की स्क्रीनिंग थी। इस स्क्रीनिंग में आलिया अपने बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ मौजूद हुई थी, लेकिन जब ये दोनों कार में थे तो दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस चल रही थी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि रणबीर आलिया पर गुस्सा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो में। हाँ दादा, दादा एक गाड़ी नहीं रुकाएंगे, टेंशन मत। गाड़ी तो है यहाँ, ट्रैफिक निकलना चाहिए बस। चलो दादा उस तरफ से। हाँ दादा, दादा एक गाड़ी नहीं रुकाएंगे, टेंशन मत। गाड़ी तो है यहाँ, ट्रैफिक निकलना चाहिए बस। चलो दादा उस तरफ से। देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने आप सभी को बॉलीवुड से जुड़ी कुछ ऐसी ट्रेंडिंग खबरों से रूबरू करवाया जो इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें दे दीजिए इजाजत, पर आप बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही चटपटी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।